लोकसभा चुनाव 2019 का बिगुल बज चुका है। ऐसे में सभी राजनीतिक पार्टियों के नेता अपनी साख बचाने के लिए सीट पर कब्जा करने की कोशिश में जुट गए हैं। लेकिन इस बार लोगों की निगाह ऐसे राजनेताओं पर टिकी हुई है जो विगत दो दशक से ज़्यादा न सिर्फ जिले की राजनीति में अपना खासा रसूख रखते हैं, बल्कि जातिगत समीकरण और अन्य कारणों से प्रत्याशियों को जिताने का दमखम भी रखते हैं। पूर्व कैबिनेट मंत्री और मल्हनी विधानसभा से विधायक पारसनाथ यादव, पूर्व सांसद धनंजय सिंह, पूर्व सांसद उमाकांत यादव, पूर्व कैबिनेट मंत्री जगदीश नारायण राय ऐसे नेता हैं जो जीती हुई बाजी को पलटने का मादा रखते हैं। बदले हालात और राजनीतिक समीकरण को देखा जाए तो इस बार सपा बसपा गठबंधन के चलते जहां पारसनाथ यादव चुनाव मैदान में नहीं उतरेंगे, वहीं उनके कंधों पर गठबंधन की साख बचाने की जिम्मेदारी भी बनी हुई है। जिले की राजनीति में समाजवादी पार्टी का मजबूत स्तंभ बन चुके पारसनाथ यादव सभी 9 विधानसभा के मतदाताओं पर असर करने का मादा रखते हैं। पूर्व सांसद धनंजय सिंह की बात की जाए तो वे भी किसी से कम नहीं हैं। अकेले अपने दम पर 2009 के लोकसभा चुनाव में बसपा के टिकट पर संसद पहुंचे धनंजय सिंह ने बाद ब्लॉक प्रमुख और MLC के चुनाव में साबित कर दिखाया था कि वे चाहे तो किसी भी पार्टी को उस बुलंदी तक पहुंचा सकते हैं जो इसकी ख्वाहिश रखती है। 2014 के लोकसभा चुनाव में निर्दल प्रत्याशी के रूप में उतरे धनंजय सिंह जीत का स्वाद तो नहीं चख सके, लेकिन अपनी ताकत का एहसास बसपा को जरूर करा दिया था। 2017 के विधानसभा चुनाव में भी निषाद पार्टी से चुनाव लड़ चुके धनंजय सिंह पराजित हो गए थे, लेकिन जिस तरह से उन्हें जनता का प्यार और भारी संख्या में लोगों ने वोट दिया था उससे अन्य दलों के होश उड़ गए थे। ऐसे में 2019 के लोकसभा चुनाव में उनके पत्ते अभी तक नहीं खुले हैं। वहीं उनके समर्थक भाजपा गठबंधन से उनके प्रत्याशी बनने की बात कह रहे हैं। इस लोकसभा चुनाव में वो मैदान में उतरेंगे तो अन्य पार्टियों के समीकरण बनने बिगड़ने लगेंगे। पूर्व सांसद उमाकांत यादव की बात की जाए तो 3 दशक से ज़्यादा जिले की राजनीति में अपना रसूख रखने वाले उमाकांत यादव खुटहन विधानसभा से अपना राजनीतिक करियर शुरू किया था। विधानसभा में पहुंचने के साथ साथ 2004 में वे मछलीशहर लोकसभा सीट पर बसपा के टिकट पर संसद पहुंचे थे। खास बात यह थी कि उमाकांत यादव ने यह चुनाव जेल में बंद रहते हुए जीता था और समाजवादी पार्टी के कद्दावर प्रत्याशी CN सिंह को धूल चटाई थी। ऐसे में उमाकांत यादव बसपा में पुनः शामिल होकर जहां मजबूत दावेदारी कर लोकसभा चुनाव के मैदान में उतरने को बेताब हैं, तो वहीं उनके पुत्र दिनेश कांत यादव का कहना है कि पार्टी का जो भी आदेश होगा उस पर खरा उतरने का हम सब प्रयास करेंगे। हालांकि उमाकांत यादव को जिले की एक अदालत ने 7 साल की सजा सुनाई थी और वे फिलहाल जमानत पर रिहा हैं। बात अगर बसपा के कद्दावर नेता रहे पूर्व मंत्री जगदीश नारायण राय की जाए तो वे 3 दशक से जिले की राजनीति में खासा रसूख रखते हैं। हमेशा अपनी सादगी, मृदुभाषा और स्वभाव के लिए पहचान रखने वाले जगदीश नारायण राय 2017 के विधानसभा चुनाव में बसपा ने जब टिकट नहीं दिया तो उन्होंने चुनाव लड़ने से मना कर दिया था। ऐसे में उनकी छवि भुनाने के लिए कांग्रेस ने उन्हें सिंबल हेलीकॉप्टर से भिजवाकर उनकी राजनीतिक फसल काटने का प्रयास किया, पर उनके नामांकन वापस लेने से सारी महत्वाकांक्षाएं धरी की धरी रह गई। फिलहाल वे जिले की 9 विधानसभाओं पर अपना रसूख रखते हैं और अभी तक उनके पत्ते खुले नहीं हैं। ऐसे में लोगों की निगाहें जगदीश नारायण राय पर भी टिकी हुई हैं। 2012 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को अपने दम पर जीत दर्ज कराने वाले नदीम जावेद पर भी लोगों की निगाहें लगी हुई हैं। फिलहाल नदीम जावेद कांग्रेस पार्टी में अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के राष्ट्रीय अध्यक्ष के तौर पर पूरे देश का भ्रमण कर रहे हैं, तो वहीं उनके समर्थक उन्हें कांग्रेस के टिकट पर सदर लोकसभा में उतारने की मांग लगातार कर रहे हैं।
बात अगर नदीम जावेद की जाए तो जिस तरह से उन्होंने 27 वर्षों के बाद कांग्रेस का खाता विधानसभा में खोला था, उसे लोगों में आशा की नई किरण दिखाई पड़ रही है। 2014 के लोकसभा चुनाव में भी उनके टिकट मिलने के आसार नजर आ रहे थे, पर प्रियंका गांधी के हस्तक्षेप के बाद भोजपुरी सुपरस्टार रवि किशन को कांग्रेस ने अपना प्रत्याशी बनाकर मैदान में उतार दिया था, जिसके चलते नदीम जावेद के समर्थकों ने न सिर्फ उनका पुतला फूका बल्कि बगावती तेवर अपना लिए थे। हालांकि बाद में पार्टी के वरिष्ठ नेताओं के हस्तक्षेप के बाद कांग्रेस के सभी नेताओं ने मिलकर चुनाव प्रचार किया और रवि किशन कांग्रेस की जमानत बचाने में नाकामयाब रहे। ऐसे में पार्टी यदि नदीम जावेद पर अपना दांव लगाती है तो यहां के राजनीतिक समीकरण बिगड़ सकते हैं। भाजपा की अगर बात की जाए तो पूर्व विधायक सीमा द्विवेदी और पूर्व विधायक सुरेंद्र प्रताप सिंह भी अपनी राजनीतिक साख को बचाने के लिए जद्दोजहद करते नजर आ रहे हैं। पार्टी ने 2014 के लोकसभा चुनाव में डॉक्टर केपी सिंह को प्रत्याशी बनाकर सभी को अस्तब्ध कर दिया था और मोदी लहर के चलते 1.5 लाख से ज्यादा वोटों से डॉक्टर केपी सिंह सांसद चुने गए। फिलहाल सभी राजनीतिक दलों ने अपने अपने पत्ते पूरी तरीके से नहीं खोले हैं, पर इतना तो साफ है कि 2019 का लोकसभा चुनाव इन बड़े नेताओं की अग्नि परीक्षा के रूप में इतिहास में दर्ज हो जाएगा। अंकित जायसवाल, नया सवेरा।